10x10 का जो कलम बनाइएगा और उसमें आपका सरिया कितना लगेगा, एक कलम में कितना सरिया लगेगा, 12 mm का और 8 mm का कितना सरिया लगेगा, तो हम आप सबको उसी में बताते हैं दोस्तों, आप सबको कि एक कलम में आपका 12 mm का कितना सरिया लगेगा और 8 mm का कितना सरिया लगेगा, जो रिंग के लिए 8 mm का प्रोवाइड ऐड किया किया जो जाता सरिया है। रहेगा वो रिंग के लिए रहेगा और 12 mm का जो सरिया रहेगा वो कलम के लिए रहेगा, और कलम के नीचे में जो जाली लगता है दोस्तों वो कितना रहेगा। तो एक कलम बना रहे हैं तो उसमें आपको कलम सरिया बनाने का के लिए कलम कितना सरिया देना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, आप लोग को मैं बता देता हूँ कि 10x10 का कलम बनाने के लिए आप सबको सबसे पहले 12 mm का दो सरिया लेना है। ठीक है दोस्तों, दो सरिया लेना है, दो सरिया, दो सरिया। और 8 mm का जो रिंग के लिए होता है, ठीक है दोस्तों, ये रिंग के लिए है, तो इसको भी आप लोग दो पीस सरिया इसमें भी लेना है। ठीक है, जो रिंग के लिए होता है, ठीक है दोस्तों, आप लोग 12 mm का दो सरिया ले लीजिए, एक 10x10 का कॉलम है और 8 mm का रिंग के लिए ले लीजिए आप लोग दो पीस सरिया, जो रिंग उसमें बनाया जाएगा। और इस कॉलम में आपका जाली के लिए उसमें कितना सरिया लगेगा, तो ठीक है दोस्तों, हम आप सबको बता दें, अगर आपका जाली का साइज 3x3 का है या 4x4 का है, अगर आपका जाली का साइज जो जमीन का डेप्थ है यानी गड्ढा गड्ढा आपका अगर 4x4 का है, ठीक है दोस्तों, तो आपका इसमें 10 mm का सरिया ले लेना है। ठीक है दोस्तों, और इसमें 10 mm का सरिया कितना लगेगा, इसमें आपका 10 mm का सरिया दो गो लगेगा, दो लगेगा, दो पीस लगेगा। ठीक है दोस्तों, दो पीस लगेगा। आप लोग को समझ में आ गया होगा दोस्तों कि 10x10 का कॉलम बनाने के लिए कौन कौन सा सरिया लगाने से आपका एक कॉलम कॉलम बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग को पूरा समझ में आ चुका है दोस्तों। अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट करके हमें बताना दोस्तों, हम आपको रिप्लाई देने की कोशिश जरूर करेंगे। ठीक है दोस्तों, और आप सब वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं कल का वीडियो में, और जय हिंद दोस्तों।